नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश शर्मा रोड सेफ्टी फाउंडेशन मुंबई के भिवंडी ट्रेनिंग सेंटर में आज आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ एक 34-35 फीट ऊंचे रैक लगे हुए हैं और ये हमारे पीछे एक रीस्ट्रक है और यहाँ रीस्ट्रक जो है वो डबल डिप रीस्ट्रक है। डबल डिप रीस्ट्रक का बेनिफिट होता है कि आप दो रैक में, एक रैक आगे लगा हुआ है, एक बाजू में सटा हुआ, पीछे एक रैक लगा हुआ है, दोनों रैक में आप एक ही मशीन से वर्क कर सकते हैं। तो जो डबल डिप रीस्ट्रक चलाना सीख लेते हैं वो सिंगल डिप भी चला सकते हैं और वो डबल डिप भी चला सकते हैं। इसका एक बेनिफिट और है, क्योंकि अब जगह की शॉर्टेज है तो हर कंपनी चाहती है कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को चढ़ाया जा सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेटल को एक ही जगह में रखने के लिए डबल डिप रीस्ट्रक का यूज़ किया जाता है। तो अब जो कंपनी जो नई मशीनें जो ला रही है वो डबल डिप मशीन आ रही है ताकि उतनी जगह में डबल और ट्रिपल मेटल को रखा जा सके। इसके अलावा आने वाले भविष्य में ज़्यादातर कंपनियाँ जो मशीन यूज़ करेंगी वो डबल डिप रीस्ट्रक ही यूज़ होने में ज़्यादा आने वाला है। तो आज हमारे साथ आए हुए हैं वाड़ा से, वाड़ा थाना डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, तो वाड़ा से आए हुए हैं। बेटा आपका क्या नाम है? अनिकेत सरदार। अनिकेत सरदार। सरदार, तो अनिकेत सरदार आज हमारे साथ हैं, तो आज हम जानेंगे अनिकेत ने यहाँ जो ट्रेनिंग करे। अनिकेत आप कितने दिन से यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं? 10 दिन से आप सीख रहे हैं। तो आप डबल डिप और आर्टिकुलेटेड दोनों सीख रहे हैं या डबल डिप सीख रहे हैं? दोनों सीख रहे हैं। तो पहली बात तो अनिकेत मुझे बताएंगे आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? ऑनलाइन निकाला था। ऑनलाइन निकाला था? गूगल पे से ऑनलाइन निकाला था नंबर। गूगल से आपने ऑनलाइन निकाला था, तो कैसा वहाँ गूगल में जब आपने सर्च किया तो कितना रेटिंग वहाँ मिला हुआ था आपको मालूम है हमारे ट्रेनिंग सेंटर को? 3.5-4 था। ओके, आपने चेक नहीं किया शायद? आप गूगल पे चेक करेंगे, हमारा रेटिंग 4.7 है। तो कैसा जैसा वहाँ रेटिंग मिला आपको उस क्वालिटी का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ मिला है? हाँ मिला है। तो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में सुविधाएं अच्छी है सीखने के हिसाब से? अच्छा, सब अच्छा। तो रैक हाइट भी जो है आप देख रहे हैं 11 मीटर है, मतलब 33-34 फीट है कम से कम। तो मुझे आज आप डबल डिप ट्रेनिंग रीस्ट्रक चला के दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे। तो डबल डिप में कौन सा दिखाएंगे आप? डबल डिप मतलब अंदर वाले रैक में मीटर लगेंगे और उसके बाद आप मुझे बाहर वाले रैक में उसी जगह पर रख के दिखाएंगे? दिखाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आप चेक करके दिखाइए। तो अनिकेत आपको डबल डिप में मेटल चढ़ा के दिखाएंगे। अनिकेत पहले बॉक्स रख दीजिएगा, वो बॉक्स को निकाल लीजिए और अंदर वाले रैक में ऊपर चढ़ा दीजिए और जितनी ऊंचाई तक आपको 10 दिन में सिखाया गया है वो मैक्सिमम हाइट तक आप चढ़ा के दिखा दीजिए, जो लेवल तक आपको अभी तक प्रैक्टिस करवा रहे हैं सर। तो इन्हें सिर्फ 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में ये डबल डिप में भी मेटल चढ़ाना सीख गए हैं, तो एक बार देखेंगे कैसा मेटल ये चढ़ाते हैं डबल डिप में। बॉक्स वाले को निकाल के ऊपर के लेवल में अंदर के वाले रैक में डबल डिप में चढ़ा दीजिए। इस लेवल से तीन लेवल पे जो पैलेट रखा हुआ है, अनिकेत इस पैलेट को निकालेंगे और ऊपर के लेवल पे चढ़ा के दिखाएंगे, और वो भी कौन से रैक में? ये आउटर रैक में नहीं, इनर रैक में, जो अंदर की तरफ जो सेकंड रैक लगा हुआ है उसमें ऊपर चढ़ा के दिखाएंगे। डबल डिप मशीन कैसे चलती है वो उसका उपयोग करके दिखाएंगे आपको। ऊपर के किसी भी लेवल पे आप सेकंड रैक में, इनर रैक में चढ़ा दीजिए। डबल डिप मशीन का बेनिफिट है आप आउटर रैक में भी मटेरियल चढ़ा सकते हैं और अंदर जो एक रैक लगा हुआ है उसमें भी आप मटेरियल चढ़ा सकते हैं। तो ये अभी इनर रैक में मेटल चढ़ा के दिखाएंगे आपको। अभी गाड़ी अंदर फॉर्क अंदर जा चुका है, अभी अपना एक्सटेंशन फॉर्क को
पहले मास्क को आउट करेंगे, फिर एक्सटेंशन फॉर्क का यूज करेंगे। अभी एक्सटेंशन फॉर्क बाहर निकल रहा है, डबल डिप का, ये देखिए फॉर्क बाहर निकल रहा है और ये अंदर वाले रैक की तरफ चला गया। ये पहले, वेरी गुड, अनिकेत अब ये सेकंड जो दो पैलेट रखे हुए हैं वहाँ पे, आप इनको फर्स्ट रैक में लगाएंगे वही डबल डिप के वाले में, हाँ इसके पहले वाले रैक में लगा दीजिए, वहाँ से निकाल के डबल डिप के पहले वाले रैक में इस मेटल को लगा दीजिए। हम देख रहे हैं कि डबल डिप में कैसे एक ही जगह में दो दो पैलेट को रखा जाता है, अनिकेत हमको करके दिखाएंगे। तो डबल डिप का बेनिफिट क्या है, आप अंदर वाले रैक में भी मेटल चढ़ा सकते हैं और उसके आगे वाले रैक में भी मेटल को चढ़ाया जा सकता है। ये सेकंड लेवल से निकालेंगे इसे और थर्ड लेवल के डबल डिप के आउटर रैक, इन आउटर रैक में आप वही लोकेशन में चढ़ाना है आपने। तो इन्होंने अंदर वाले रैक में दोनों पैलेट्स को एडजस्ट कर दिया है। अब इसके बाद ये आगे वाले पैलेट में भी दो पैलेट्स को, आगे वाले रैक में भी दो पैलेट्स को लगा सकते हैं। यही बेनिफिट होता है डबल डिप मशीन का। इनर रैक में देखिए दोनों में पैलेट रखे जा चुके हैं और आउटर रैक में भी आप दो पैलेट लगा सकते हैं। तो 10 दिन में अनिकेत ने डबल डिप में मेटल लगाना सीख लिया। आपको उनका ट्रेनिंग कैसा लगा, कैसा उन्होंने 10 दिन में सीखा है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी अगर डबल डिप रिस्ट्रक ऑपरेटर बनना चाहते हैं, वैसे तो रिस्ट्रक ऑपरेटर बनना है तो मेरा सजेशन है आप डबल डिप मसीली सीखिए ताकि आप सिंगल डिप में भी लगा पाएं और डबल डिप में भी लगा पाएं। तो आपको कैसा हमारा ट्रेनिंग सेंटर लगा, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा
और कैसा हमारे स्टूडेंट यहाँ पर सीख रहे हैं, आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप भी अगर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।